Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome back to the English classroom. I am your teacher, Anwar Shaz. Students, we are continuing with the story Lincoln Gorge by Tu Peng Cheng, a Chinese writer. It is our second lecture today regarding this story. You remember, in the first lecture, we discussed the background of the story. We discussed about the title of the story. We discussed about the writer. Then I told you about the setting of the story and main characters of the story. And also we read first three paragraphs of the story on page 94. Today, we are starting from page number 94 again, and it is paragraph number 4. So, hungry, cold, I tripped and fell, scraping my hands. Beta, I hope you remember ki kya hua tha kahani mein pehle. Pehle teen paragraphs mein kya hua? जो नरेटर है, जो कहानी का मेन करैक्टर है, उसने अपने डिपार्टमेंट में पहुंचना है और वो 40 किलोमीटर का फासला तय करके, जो हमारी ये मेन प्लेस है, सेटिंग है हमारी स्टोरी की, लिंकन गॉर्ज, यहाँ तक पहुंचा है. और जब वो यहाँ पे पहुंचा है तो मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है. विंटर का सीज़न है, बर्फबारी भी हो रही है. सो वेरी सीवियर वेदर, और वो बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार है. हम आगे से यहाँ से शुरू कर रहे हैं. राइटर नरेटर कहता है, हंग्री, कोल्ड, आई ट्रिप्ड एंड फेल, स्क्रेपिंग माई हैंड्स. लिंकन गॉर्ज में वो एंटर हो चुका है. वो बता रहा है हंग्री, वो बहुत ज़्यादा भूखा था, काफ़ी देर से उसने खाना नहीं खाया. कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड है और उसको फील भी हो रही है. आई ट्रिप्ड and fell, scraping my hand. I tripped. जी बेटा, what is tripped? Trip means stumbled, staggered, लड़खड़ाना, डगमगाना. बेटा, बहुत ज़्यादा थकावट की वजह से क्या हो रहा था, उसके कदम डगमगा रहे थे, लड़खड़ा रहे थे. Hungry, cold, I tripped and fell, scraping my hands, scraping my hands, rubbing my hands, scraping, rubbing. Rubbing my hands. Enough. I would find some place under a cliff, out of the wind, and rest a few hours. बेटा, उसका फासला अभी थोड़ा सा रहता है. उसने आगे को अभी सफर करना है थोड़ा सा, अपने उस डिपार्टमेंट में, मटेरियल डिपार्टमेंट में पहुंचने के लिए. लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे रही है. वो कह रहा है, enough. I would find some place under a cliff. इसी चोटी के नीचे मैं कोई जगह ढूंढ लेता हूं यहां पे. Out of the wind, हवा से थोड़ा सा दूर. And rest a few hours, और चंद घंटे आराम कर लेता हूं. If I reach the materials depot tomorrow morning by 10 o'clock, that still wouldn't be too late. बेटा, पहुंचना तो उसने आज है वहां पे, लेकिन बहुत ज्यादा थक चुका है. वो कह रहा है कि अगर मैं कल सुबह 10 बजे तक भी वहां पे पहुंच गया तो कोई ज्यादा देर नहीं हो जाएगी. लिहाजा मैं क्या करता हूं, कहीं पे अगर मुझे मुनासिब जगह मिलती है तो मैं वहां पे आराम कर लेता हूं. इफ आई रीच द मटेरियल्स डिपो टुमारो मॉर्निंग बाय 10 o'clock, दैट स्टिल वुडंट बी टू लेट. स्टम्बलिंग अराउंड इन द डार्क लाइक दिस, आई वॉज लाइबल टू फॉल इन टू सम डीप रेविन. डीप रेविन की बात हो रही है बेटा. स्टम्बलिंग अगेन, व्हाट इज स्टम्बलिंग? स्टैगरिंग, लड़खड़ाते हुए. पहले भी बेटा हमने ट्रिप्ड का वर्ड यूज किया, ये भी उसी मानों में है, लड़खड़ाना के मानों में. स्टम्बल, स्टैगर, स्टम्बल, स्टैगरिंग, ये एक मानों में है, लड़खड़ाना के मानों में. स्टम्बलिंग अराउंड इन द डार्क लाइक दिस, अगर मैं इस तरह के अंधेरे में डगमगाता रहा, मेरे कदम डोलते रहे, तो क्या हो सकता है? आई वॉज लाइबल टू फॉल इन टू सम डीप रेविन. आई वॉज लाइबल, लाइबल क्या है बेटा? लाइकली, वेरी लाइकली, इस बात का बहुत ज्यादा इम्कान है.
I was liable, I was likely, I was possibly. तो इस बात का इम्कान है कि क्या हो जाए. I was liable to fall into some deep ravine. What is ravine? Ravine, canyon को कहते हैं बेटा, गड़े को कहते हैं, गॉर्ज को कहते हैं, डिच को कहते हैं. तो हो सकता है यहां मैं किसी गड़े में गिर जाऊं. Okay, and that would be the end of this material department chief. और ये खात्मा होगा यहां पे. यहां पे खात्मा हो जाएगा. किसका खात्मा हो जाएगा? मेटीरियल डिपार्टमेंट चीफ. कौन है बेटा मेटीरियल डिपार्टमेंट का चीफ? बेटा बजाते खुद वो मेटीरियल डिपार्टमेंट का चीफ है. अपने बारे में कह रहा है कि अगर मैंने मजीद सफर किया, मजीद चलता रहा, तो हो सकता है मैं किसी यहां गड़े में गिर जाऊं. और जो मेटीरियल डिपार्टमेंट का चीफ है, यानी कि वो बजाते खुद, हो सकता है उसकी यहां पर मौत वाकई हो जाए. जी, दैट वुड बी end of this material department chief. I would have to be put on the used up list. बेटा उसको अगर ऐसा हो गया कि वो गिर गया वहां पे और उसकी मौत वाकया होगी, तो क्या करेंगे ये सारे के सारे लोग? क्या करेंगे? उसको used up list में उसका नाम लिख देंगे. जो चीजें इस्तेमाल हो चुकी हैं, उन चीजों में उसका नाम लिख दिया जाएगा. तो बेटा जरा थोड़ा सा ह्यूमरसली वो ये बात कर रहा है यहाँ पे कि अगर वो गिर जाता है तो उसकी डेथ हो जाएगी और वो मटेरियल्स डिपार्टमेंट का जो चीफ है, ही विल बी नो मोर, और उसको यूज्ड अप लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ. आई नोटिस्ड अ पाथ लीडिंग टू अ केव इन द क्लिफ साइड. अब क्या हुआ? उसको एक रास्ता नजर आया छोटा सा. और ये रास्ता कहाँ, किस तरफ जा रहा था? क्लिफ साइड, चोटी की तरफ, चट्टान की तरफ, छोटा सा एक रास्ता नजर आया उसको. जी, अ डोर कर्टन हैंगिंग इन द एंट्रेंस. और उस केव के दरवाजे पे एक पर्दा लटक रहा था. A door curtain hanging in the entrance way showed the cave was undoubtedly occupied by workers. पता चल रहा था, उस पर्दे से पता चल रहा था कि यहां पे जरूर कोई workers रहते हैं, मजदूर रहते हैं. Grasping branches along the steep path. Grasping बेटा क्या है? Grasping branches. Grasping mean holding, clutching, पकड़ते हुए, थामते हुए. Branches शाखें. वहां पे छोटे छोटे पौधे लगे होंगे, छोटे छोटे दरख्त लगे होंगे, उनकी शाखों को पकड़ते हुए. अलोंग द स्टीप पाथ. स्टीप कैसा होता है बेटा? स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा, शार्प, शियर, वर्टिकल. तो रास्ता जो था वो थोड़ा खतरनाक था, स्टीप था, लिहाजा उसको सहारा लेना पड़ रहा है वहां पे दरख्तों की शाखों का ऊपर चढ़ने के लिए. तो वो कहता है, आई हॉल्ड माई सेल्फ अप टू द डोर एंड एंटर्ड. आई हॉल्ड माई सेल्फ अप टू द डोर. व्हाट इज हॉल? जी बेटा देखेंगे हॉल क्या है. हॉल ड्रैग के मानों में बेटा, पुल के मानों में. उसने अपने आप को खींचा, उसने अपने आप को ड्रैग किया. ड्रैग करते हुए बेटा वो जो है वो उस गार के गार पे पहुंच गया और अंदर दाखिल हो गया. एंड एंटर्ड. स्ट्रेंज, नेक्स्ट पैराग्राफ. स्ट्रेंज, सीटेड ऑन अ स्मॉल स्टूल इन द डोरवे वाज अ लिटिल बॉय. हैरत की बात है कि वहां पे कौन उसको मिला? सबसे पहले सामना उसका किससे हुआ? बेटा वहां पे एक छोटा सा बच्चा था, उससे उसका सामना हुआ. डोवे बिल्कुल रस्ते में ही बैठा हुआ था, दरवाजे के साथ ही. अ लिटिल बॉय 7 or 8 years old. बेटा हमारी कहानी का दूसरा करैक्टर. हमने करैक्टर्स पिछले अपने लेक्चर में डिस्कस किए थे. तो हमारी कहानी का जो दूसरा करैक्टर है, छोटा सा बच्चा 6-7 सालों का, 7-8 सालों का, नाम क्या था उसका? चेंग यू. बेटा उसको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है यहां पे. 7 or 8, 7-8 सालों का बच्चा है. एल्बोज ऑन हिज नीज. बेटा उसने अपनी जो कोहनियां हैं अपने घुटनों पे रखी हुई हैं. स्पोर्टिंग हिज फेस इन हिज हैंड. और उसका चेहरा जो है उन अपनी हथेलियों में है. हिज चीक्स वर रेड विद कोल्ड. गाल उसके
जो थे सुर हो चुके थे सर्दी की वजह से. ही हैड बीन पियरिंग एट द ऑपोजिट क्लिफ साइड थ्रू अ रेंट इन द कर्टन. क्या कर रहा था वो बच्चा वहां पे बैठे हुए, वो क्या कर रहा था? ही हैड बीन पियरिंग. व्हाट इज पियरिंग? पीपिंग, झांकना, लुकिंग, देखना. वो बच्चा जो है वो झांक रहा था, वो देख रहा था. ऑपोजिट साइड पे एक क्लिफ थी, एक क्लिफ की साइड पे वो है, ऑपोजिट साइड पे एक क्लिफ है, उस जानब वो बच्चा देख रहा था. किस में से देख रहा था? थ्रू अ रेंट. बेटा रेंट एक तो कोई चीज किराए पे लेना वगैरह होती है, लेकिन यहां पे वो मतलब नहीं है. यहां पे एज ए नाउन यूज हुआ है ये, जिसका मतलब क्या होता है? होल, ओपनिंग, ओपनिंग या होल को कहा जाता है रेंट. तो बच्चा क्या कर रहा था? पर्दे में एक सुराख था, उस सुराख में से ऑपोजिट साइड पे क्लिफ थी, उधर देख रहा था. ही ग्लैंस एट मी ब्रीफली. ग्लैंस एट मी, ग्लैंस टू हैव अ ग्लिम्स, ग्लैंस टू हैव अ ग्लिम्स, टू लुक, देखना. उस बच्चे ने देखा मेरी जानब एक लम्हे के लिए. एज आई केम इन, जो ही मैं उस गार में दाखिल हुआ. देन वेंट बैक टू हिज ऑब्जर्वेशन. फिर वो जो अपना काम कर रहा था ऑब्जर्वेशन का, लुकिंग का, देखने का, वो काम उसने दोबारा शुरू कर दिया. द केव वॉज लार्ज. गार जो था काफी बड़ा था, बट क्वाइट वार्म, लेकिन गर्म था. इट हैड अ स्टोव एंड ईटिंग यूटेंसिल्स. वहां पे एक चूल्हा था बेटा, स्टोव की बात हो रही है, चूल्हा था. एंड ईटिंग यूटेंसिल्स. व्हाट आर यूटेंसिल्स? यूटेंसिल्स बेटा गेयर को कहते हैं, इक्विपमेंट को कहते हैं. यहां पे क्रॉकरी की बात हो रही है, बर्तनों की बात हो रही है. उस कमरे के बारे में, अब उस कमरे की सेटिंग के बारे में हमें बताया जा रहा है, उस गार की सेटिंग के बारे में हमें बताया जा रहा है. इट हैड अ स्टोव एंड ईटिंग यूटेंसिल्स. खाने के बर्तन वहां पे मौजूद थे. On the wall above a bed was a colored New Year picture of chubby children pulling the turnip. अब बेटा बताया जा रहा है कि दीवार जो बेड के साथ दीवार थी, उस पर एक तस्वीर लगी हुई थी, कलर्ड पिक्चर लगी हुई थी. और ये कलर्ड पिक्चर किसकी थी? Chubby children. Chubby. What is chubby? What is chubby? Plump. P. L U M P. Plump, fat, overweight. बेटा जो जरा सेहतमंद जो होते हैं उनको हम चबी कहते हैं, प्लम्प कहते हैं, फैट कहते हैं. तो एक तस्वीर लगी हुई थी बेड के पीछे, और तस्वीर किसकी थी? उसमें बहुत सारे सेहतमंद बच्चे थे, और वो क्या कर रहे थे? पुलिंग टर्निप. टर्निप क्या है बेटा? शलजम, सब्जी है. तो वो दिखाया गया है कि वो बच्चे वहां से वो सब्जियां जो है उखाड़ रहे हैं जमीन में से. शलजम की बात हो रही है. ऑल द वॉल्स हैड बीन पेपर्ड. तमाम दीवारें जो थी उन पे कागज लगाया गया था, पेपर्ड. नाउ ब्लैकेंड बाय स्मोक फ्रॉम द स्टोव. और अब ये ब्लैकन हो चुकी थी. बेटा वर्ब यूज किया जा रहा है, ब्लैक से ब्लैकन, किसी चीज को स्याह करना, उसकी मजीद फॉर्म यूज की गई है ब्लैकेंड. ब्लैकेंड बाय स्मोक फ्रॉम द स्टोव. तो वो जो पेपर भी लगाया गया है दीवारों पे, वो स्याह पड़ चुका है. किसकी वजह से? उस धुएं की वजह से जो कि उस स्टोव, उस चूल्हे में से निकलता है. Why isn't anybody home? I asked, shaking the snow from my coat and hat. अब नरेटर जो है उस बच्चे से सवाल करता है, घर पे कोई क्यों नहीं है? क्यों कोई घर पे नहीं है? उसने पूछा. Shaking the snow from my coat and hat. Shaking क्या है बेटा? Removing. बर्फ पड़ चुकी थी, क्योंकि वो बर्फ से आया, बाहर बर्फबारी हो रही है, उसके हैट पे भी, उसके कोट पे भी बर्फ है. तो उसको उसने रिमूव करते हुए उससे पूछा, घर में कोई क्यों नहीं है? द लिटल बॉय टर्न्ड हिज हेड. छोटे से बच्चे ने अपना चेहरा जो है पीछे की जानब किया. हिज आईज फ्लैश्ड. उसकी आंखें चमकने लगी. फ्लैश. व्हाट इज फ्लैश? फ्लैश मीन ग्लिटर, शाइन, चमकना. उसकी आंखों में एक चमक आई. Ain't I anybody, uncle? Ain't. बेटा यहां पे आप देख रहे हैं ये A R E N
और अपॉस्ट्रोफ, ये कंट्रैक्शन यूज हुई है बेटा, ये कंट्रैक्शन जो है बेटा यहां पे एम नॉट की कंट्रैक्शन है, एम नॉट की कंट्रैक्शन बेटा, ये आर नॉट की कंट्रैक्शन भी होती है, ये इज नॉट की कंट्रैक्शन भी यूज की जाती है, यहां पे ये एम नॉट की कंट्रैक्शन यूज हुई है यहां पे जो उसने यूज किया है बेटा, ये इनफॉर्मल यूज है, ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। तो बेटा वो पूछ रहा है एंट आई एनीबॉडी अंकल, क्या मैं कोई नहीं हूं यहां पे जो मौजूद हूं। He rose and walked towards me. फिर वो बच्चा खड़ा हो गया और मेरी तरफ चलने लगा, मेरी तरफ चल के आने लगा। His hands behind his back. उसके हाथ कहाँ पे थे? उसकी बैक पे, उसकी पुश्त पे बंधे हुए थे। His chest extended. Extended. His chest extended. क्या किया हुआ था उसने? His chest extended. उसका सीना बेटा जो है वो फैला हुआ था। Enlarged. Extended. His eyes flashed बेटा, glitter के मानों में, चमक के मानों में। फिर उसने पूछा ain't I anybody uncle, he rose and walked towards me, his hands behind his back, his chest extended as if to say, ऐसे जैसे कि वो कहना चाह रहा हो, not only I am somebody, ना सिर्फ मैं कोई हूं, I am a very grown up somebody. मैं अच्छा खासा बड़ा हुआ, बड़ा आदमी हूं मैं, मैं बच्चा नहीं हूं, मैं बड़ा हूं। I am a very grown up somebody. मैं बड़ा हूं। तो बेटा बच्चे को राइटर की बात जो है बुरी लग गई है कि उसने कहा कि क्या घर में कोई भी नहीं है? तो उसने कहा क्या मैं कोई भी आपको नजर नहीं आ रहा, मैं बड़ा हूं, मैं बच्चा नहीं हूं। I cupped his round little face in my hands. I cupped, बेटा cupped, cupped, क्या करना? Cupped, took in hands like a cup. बेटा ऐसे curve की shape उसने बनाई, उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया, cupped. He pushed, no बेटा, not only am I somebody, I am very grown up somebody. I cupped his round little face in my hands. You are pretty sharp, young imp. You are pretty sharp. बड़े तेज हो तुम, young imp. What is imp? Imp, rascal, devil. Rascal, devil, बदमाश, शैतान। जैसे हम वैसे किसी को छेड़ते हुए हम कहते हैं बदमाश या शैतान का वर्ड, राइटर ने, नरेटर ने बिल्कुल वैसे ही उस बच्चे से इम का वर्ड यूज किया उसके लिए, उसको शैतान, उसको बदमाश कहा। He pushed my hands aside. क्या किया उसने? मेरे हाथों को एक तरफ कर दिया। Doubling up his fists. Doubling up, बेटा अपनी जो fists हैं उसकी, उनको double करते हुए उसने कहा, doubling up his fists. अपनी फेस को डबल करते हुए उस बच्चे ने कहा, जी। ही कॉक्ड हिज हेड टू वन साइड एंड डिमांडेड, कॉक्ड बेंट, झुकाना के मानों में, कॉक्ड बेंट। पहले उसने अपनी मुठियां जो हैं वो इकट्ठी की, फिर उसने अपना सर एक साइड पे झुकाया और क्या बात की, देखते हैं उसने क्या बात की। हु आर यू कॉलिंग इम, आप कौन होते हैं मुझे इम कहने वाले, रास्कल कहने वाले, डेविल कहने वाले, बदमाश कहने वाले। आई हैव अ नेम, मेरा अपना एक नाम है, आप मुझे मेरे नाम से पुकारिए। पॉइंटिंग एट द बेबी गर्ल अस्लीप ऑन द बेड ही इन्फॉर्म्ड मी, हर नेम इज पाओ चेंग, माइन इज चेंग जू। एक बच्ची की तरफ इशारा करते हुए, वो जो उसकी बहन है उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, कहा इसका नाम पाओ चेंग है और मेरा नाम चेंग जू है। तो बच्चे को ये बात अच्छी नहीं लगी कि राइटर ने उसको एम का उसके लिए वर्ड यूज किया, उसको रास्कल कहा, उसको डेविल कहा। वो कह रहा है मेरा अपना एक नाम है, मुझे मेरे नाम से पुकारिए। नो डाउट अबाउट इट, दीज किड्स वर लाइक थाउजेंड्स ऑफ अदर्स आई हैड मेट, born and raised on construction site. इस बात में कोई शक नहीं है कि ये बच्चे भी जो दो थे उन बच्चों की तरह थे, उन हजारों बच्चों की तरह थे जिनसे मैं अक्सर मिलता रहता हूं, वो बच्चे जिनकी पैदाइश भी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे हुई,
तामीराती जगहों पर और जो पले बड़े भी ऐसी तामीराती जगहों पर. तो ये दो बच्चे भी उन्हीं बच्चों जैसे बच्चे थे. द वर्कर्स लाइक टू नेम देयर चिल्ड्रन आफ्टर द प्रोजेक्ट्स वेयर दे वर बॉर्न. बड़ी इंटरेस्टिंग बात है बेटा जो नरेचर हमें बता रहा है, ये कि जो वर्कर्स थे इन कंस्ट्रक्शन साइट्स के, वो अमूमन क्या करते थे, अगर वहां पे उन्हीं साइट्स पे उन बच्चों की पैदाइश होती थी तो वो अपना नाम जो है उन्हीं साइट्स की मुताबिक से रख देते थे. द वर्कर्स लाइक टू नेम देयर चिल्ड्रन आफ्टर द प्रोजेक्ट्स वेयर आफ्टर द प्रोजेक्ट्स वेयर दे वर बॉर्न. चेंग यू प्रोबेबली, अब वो जो बच्चे का नाम है चेंग यू, उसका बताने लगा है कि ये नाम कहां से आया होगा. प्रॉबली परहैप्स, शायद गालिबन. चेंग यू प्रॉबली हैड फर्स्ट सीन द लाइट ऑफ द डे. बेटा idiom यूज हुआ है यहां पे, जरा देखिएगा. सी द लाइट ऑफ द डे, जी सी द लाइट ऑफ द डे. बेटा idiom यूज हुआ है यहां पे, मुहावरा यूज किया है राइटर ने. क्या मतलब है, चेंग यू के बारे में बताया गया है कि ही सॉ द लाइट ऑफ द डे. टू बी बोर्न, पैदा होना, उस बच्चे के बारे में बताया जा रहा है कि वो पैदा हुआ था. और जो हम सी द लाइट ऑफ द डे जो idiom है, इसको हम और किन मानों में यूज करते हैं. टू बिकम पब्लिकली नोन, ऐसी कोई चीज जो कि सबको, सब पे जाहिर हो जाए, सब पे वाज़े हो जाए, उसको हम कहते हैं सीधा लाइट ऑफ द डे. तो यहां बच्चे के पैदा होने के बारे में बात की जा रही है. जी बेटा, और वो बताया जा रहा है, चेंग यू प्रोबेबली हैड फर्स्ट सीन द लाइट ऑफ द डे ऑन द रेलवे प्रोजेक्ट बिटवीन चेंग टू एंड चांगकिंग. बेटा ये रेलवे प्रोजेक्ट था एक, मुमकिन है जो बच्चा राइटर कह रहा है, जब इस रेलवे ट्रैक की कंस्ट्रक्शन हो रही थी, इस इलाके की कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो शायद बच्चे की पैदाइश जहाँ पे हुई थी, तो वालदैन ने इसी वजह से उसका नाम जो है वो चेंग यू रखा हुआ है, आल्सो नोन एज यू. इस इलाके को जो यू का नाम भी दिया जाता था इन दोनों इलाकों को मिलाकर, तो मुमकिन है वालदैन ने बच्चे का नाम इस मुताबिकत से रखा हो. His baby sister Pao Cheng very likely had been born right here at the side. उसकी जो बहन थी जिसका नाम अभी हमने पढ़ा है Pao Cheng, उसके बारे में राइटर कह रहा है कि इस बात के बहुत इम्कानात हैं कि उसकी पैदाइश इसी साइड पे हुई. ये जो हमारी कहानी की सेटिंग है उसकी बात हो रही है. Right here at the site of the future Pao Ki Cheng Tu Railway. बेटा हमने अपने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इसके बारे में, हमने हिस्ट्री पढ़ी थी. ये एक रेलवे ट्रैक था चाइना का जो कि बनाया जा रहा था. हमारी कहानी जो है इसी ट्रैक से ली गई है. तो उस बच्ची का जो नाम है जो हमने अभी पढ़ा Pao Cheng, वो मुमकिन है इसी कंस्ट्रक्शन साइट से लिया गया था. आई सैट बाय द स्टोव, मैं चूल्हे के साथ बैठ गया. एंड रब्ड द ड्राइंग मड फ्रॉम माई हैंड्स, उसके हाथों पर कीचड़ लगा हुआ था, वो खुश्क हो चुका था कीचड़, अब उसने उसको रब करने की कोशिश की. चेंग यू क्रॉल्ड ऑन टू माई लैप एंड लुक्स इन टू माई आईज. क्रॉल, वट इज क्रॉल? क्रॉल मीन टू क्रीप, रिंगना, स्लोली मूव करना, क्रीप के मानों में. वो आहिस्ता से चलता हुआ मेरे पास आया, मेरी गोद में आया. एंड लुक्ड इन टू माई आईज, और बच्चे ने मेरी आंखों की जानब देखा. Is it going to snow tomorrow, uncle? Uncle, क्या कल बर्फ पड़ने के इम्कानात हैं? क्या कल बर्फबारी के इम्कानात हैं? I pressed his icy red little nose. मैंने दबाया उसकी नाक को. कैसी नाक को? Icy red little nose. बहुत सर्दी की वजह से वो ठंडी थी, उसकी जो नाक थी रेड, सूख हो चुकी थी ठंड की वजह से. जी आई सी रेड लिटल नोज. एज सून एज वी गेट आर टेलीफोन लाइन कनेक्टेड अप विद हेवन आई आस्क फॉर यू. अब वो मजाक कर रहा है उस बच्चे के साथ. बच्चे ने पूछा है क्या कल बर्फ पड़ेगी कि नहीं, वो क्या जवाब दे रहा है? वो कह रहा है एज सून एज वी गेट आर टेलीफोन लाइन कनेक्टेड अप विद हेवन, जब हमारी टेलीफोन लाइन जो है उसका कनेक्शन ऊपर जन्नत तक हो जाएगा.
खुदा से राबता हो जाएगा, ऊपर आसमान से राबता हो जाएगा। आई विल आस्क फॉर यू, तो मैं ये तुम्हारा सवाल जो है ऊपर पहुंचा दूंगा। तो उसने मजाक से कहा है, एंगरली, फिर लेकिन बच्चा गुस्से में है, बच्चा फिर गुस्सा कर गया उसकी बात का। एंगरली ही लीप्ड डाउन, बच्चे ने उसकी गोद से नीचे छलांग लगाई, लीप्ड जंप्ड डाउन एंड स्टूड अ मीटर अवे स्काउलिंग एट मी, स्काउलिंग frowning, glaring, माथे पे बल डालना, तेवरी चढ़ाना, गुस्सा दिखाना। बच्चा जो है गुस्से से एक मीटर के फासले पे जाके खड़ा हो गया। Quit your kidding, बच्चा गुस्से में है, क्या कह रहा है, Quit your kidding, अपना मजाक बंद करें, Quit, leave, छोड़ें, खत्म करें। क्या खत्म करें? किडिंग, जोकिंग, मजाक करना, मजाक करना बंद करें। यू हैव गॉट अ न्यूज पेपर इन योर पॉकेट, आपकी जेब में अखबार जरूर मौजूद होगा। वाई डोंट यू लुक एट द वेदर रिपोर्ट, क्यों आप ऐसा नहीं करते कि उस न्यूज पेपर को खोलें और उसमें वेदर रिपोर्ट देखें और मुझे बताएं कि कल बर्फबारी होगी कि नहीं। तो बेटा बहुत समझदार बच्चा है वो। He resumed his seat in the doorway. Resumed, sat again. Resume किसी काम को शुरू करना। अब दोबारा जाके बच्चा बैठ गया वहां पे, वो जो उसने कुर्सी बिछाई हुई थी और वो बैठा हुआ था, अब दोबारा उस कुर्सी पे जाके, उस सीट पे जाके बैठ गया जो कि दरवाजे में पड़ी हुई थी। Clamped his elbows on his knees. दोबारा क्या किया उसने? अपनी जो कोहनियां थी उसने दोबारा रख ली, on his knees, अपने घुटनों पर। Clamped. What is clamped? Pressed, put, held. अपनी कोहनियां जो है उसने रख ली अपने घुटनों पर, दबा ली अपने घुटनों पर। Rested his face in his hand, और अपना चेहरा अपने हाथों में ले लिया। And peered out through the rent in the curtain. Peer, बेटा हमने पढ़ा था, peer means peep, झांकना, झांकना। वो दोबारा झांकने लगा, किस में से? रेंट में से। हमने रेंट पढ़ा था बेटा, होल को कहते हैं, ओपनिंग को कहते हैं, सुराख को कहते हैं। तो पर्दे में जो सुराख था उसमें वो दोबारा झांकने लग गया। व्हेन आई आस्क्ड हिम वेयर द कैटल वाज, ही इग्नोर्ड मी। जब मैंने बच्चे से पूछा कि बेटा केतली कहाँ पे है, मुमकिन है वो चाय बनाना चाहता हो, तो उसने पूछा कि केतली कहाँ पे है, कैटल कहाँ पे है, तो उसने उसको इग्नोर कर दिया। इग्नोर, टू डिफाई, पे नो अटेंशन, नज़रअंदाज कर देना। तो उसने उसकी बात को नज़रअंदाज कर लिया। आई सर्टनली वाज सॉरी, आई हैड ऑफेंडेड माई स्मॉल होस्ट। मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने अपने छोटे से मेजबान को नाराज कर दिया था। ऑफेंड, ऑफेंड, व्हाट इज ऑफेंड? टू मेक एंग्री। Offend means to make angry. तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैंने अपने छोटे से मेजबान को नाराज कर दिया। Why do you want to know about the snow, Changju? बर्फ के बारे में चेंगजू, तुम क्यों जानना चाहते हो? I asked him, मैंने उससे पूछा। Is it because you can't go out and play when it's snowing? क्या ये इस वजह से है कि जब बर्फ पड़ रही होती है तो तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम खेल नहीं सकते? He didn't even bother to look at me. उसने even मेरी तरफ देखना भी मुनासिब नहीं समझा, उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। लेकिन उसने जवाब दे दिया, क्या जवाब दिया? Papa says if it's still snowing tomorrow, we'll have to quit work. अब्बा जान कह रहे थे कि अगर कल भी बर्फ पड़ती रही तो हमें काम छोड़ना पड़ेगा। बेटा मजदूर हैं, उनको रोज़ाना काम करने की उजरत मिलती है, लिहाजा वो ये नहीं चाहते कि काम छूट जाए। जितना वो काम करेंगे उनको उसके पैसे मिलेंगे। लिहाजा बाप भी इस बारे में परेशान है, और ज़रूर उसने घर में बच्चे के सामने ये बात की होगी, और वो छोटा सा बच्चा, बहुत समझदार बच्चा है, वो भी परेशान है। और वो इस वजह से जानना चाह रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बर्फबारी होगी कल भी और हमारा काम जो है रुक जाएगा, और फिर शायद उनको उसकी अमाउंट, उसके पैसे नहीं मिलेंगे, और वो बच्चा भी ये नहीं चाहता। बेटा यहाँ पे मैं अपनी कहानी को यहाँ पे आज वाइंड अप कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट थर्ड लेक्चर होगा
उसमें ये कहानी कंप्लीट हो जाएगी। हम इस कहानी को कंप्लीट भी करेंगे और इसके जितने एस्पेक्ट्स हैं कहानी के उन पे भी बात करेंगे, एक्सरसाइज पे भी बात करेंगे। बेटा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।